देखो अगर हम बात करें अल्कोहल फिनॉल ईथर की, तो बच्चे हमको क्या समझना है, बहुत सिंपल चीज है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, कि अल्कोहल इस ROH, मतलब जो एलिफैटिक होगा वो अल्कोहल होगा, अल्कोहल इज ROH एंड दिस R शुड बी एलिफैटिक। ये R तुम्हारा बच्चे एलिफैटिक होना चाहिए। तो अगर एग्जांपल समझें, जैसे मान लो इथेनॉल हो गया, जैसे मान लो इथेनॉल हो गया, जैसे मान लो एलाइलिक अल्कोहल हो गया, एलाइलिक, अलाइलिक का मतलब हमने समझा था डबली बॉन्डेड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH हो तो उसको हम कहते हैं कि वो अलाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, तो ये सारे अल्कोहल हो गए। लेट्स सपोज अगर तुमको मैं कभी ऐसा लिखा दूं, तो ये भी एक अल्कोहल हो गया, तो ये सारे के सारे बच्चे हो गए अल्कोहल। ठीक, फिनॉल का मतलब होता है रिंग पे OH लगा, तो रिंग को यहाँ पे हम लोग कहते हैं AR, AR का मतलब होता है एरोमेटिक, या फिर हम कहते हैं उसको एरीन। ठीक है, तो यहाँ पे AROH का मतलब हो गया एरोमेटिक पे लगा हुआ है OH। तो यहाँ से देखना एरोमेटिक पे लगा हुआ है, मतलब अगर इसको और अच्छे से लिखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर यही होता है, और कोई स्ट्रक्चर है नहीं फिनॉल का। फिनॉल का जो इनिशियल नाम था दैट वाज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को हम लोग पहले कहते थे कार्बोलिक एसिड, मतलब फिनॉल में कुछ ना कुछ एसिडिक बिहेवियर भी होता है, हमको ये समझना है। फिनॉल का जो इनिशियल नाम था उसे हम कहते हैं बच्चे कार्बोलिक एसिड, मतलब फिनॉल में कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि एसिडिक बिहेवियर भी होता है। अगर हम ईथर की बात करें, तो ईथर का जनरल फॉर्मूला हम अपनी लाइफ में पढ़ते हैं, ROR, ROR। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से समझो तो इन तीनों में एक खास बात है। वो खास बात क्या है, इनके लोन पेयर। देखो अल्कोहल में ये रहा लोन पेयर, देखो फिनॉल में ये रहा लोन पेयर, या फिर ये कह सकते हो आप, और देखो ईथर में ये रहा लोन पेयर। अच्छा, अगर मैंने इसे ईथर लिखा है, तो मैं अगर कल को एरोमेटिक ईथर लिखना चाहूं, एरोमेटिक, तो मैं इसको भी ईथर कह सकता हूं यार, दिस वन। ओ आर इज ऑल्सो ईथर ऑन द रिंग। अब इस ईथर को हम लोग लोन पे आ गए। अब इस ईथर को हम लोग जो है कॉमनली बोलते हैं अराइल, अराइल मतलब बेंजीन रिंग, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, अराइल एल्काइल ईथर भी बोल सकते हैं इसको, अराइल एल्काइल ईथर। ठीक है, तो अगर हम चैप्टर को समझें बहुत बारीकी से, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लोन पेयर बनाया है, मैंने यहाँ पे लोन पेयर बनाया है, और देखिए मैंने यहाँ पे लोन पेयर बनाया है। ठीक, अगर हम ये कंक्लूड करें कि ये सबके सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है, बिकॉज इनके पास लोन पेयर है। तो जिनके पास भी लोन पेयर होता है, दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, वो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में करें, वो चाहे वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने के फॉर्म में करें। आपको चीज समझ में आ रही थी ना। अभी क्या है, आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये रिंग पे नहीं लगा, ये जो OH है वो रिंग पे नहीं लगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, आपको कहना पड़ेगा कि फिनॉल बच्चे प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। रीजन आपको पता है, रिंग पे लगा हुआ एटम, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो भी रिंग पे लगा हुआ एटम, अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो
हम कहते हैं बच्चे कि वो प्लसार इफेक्ट लगाता है, इसीलिए बेटा दिस विल एक्सर्ट्स प्लसार इफेक्ट। नाउ प्लसार इफेक्ट की वजह से ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, आपको पता है ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। नाउ अगर ये सेम चीज आप यहां देखें इधर अराइल एल्काइल ईथर में, तो देखिए यहां पे भी रिंग पे लगा हुआ ओ और देखिए बच्चे इस पे लोन पेयर है, तो अब ये भी क्या करेगा, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मतलब ये भी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बिकॉज ऑफ प्लसार इफेक्ट। तो अगेन ये जो ईथर ग्रुप है बच्चे ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज को ले आएगा। अब अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताना, तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये दोनों ग्रुप कैपेबल हैं इस रिएक्शन को दिखाने के लिए जिसका हम नाम बोलते हैं EASR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों ग्रुप क्योंकि प्लसार इफेक्ट दिखा रहे हैं, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इसीलिए ये रिंग को रिच कर देंगे और किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का इन पे अटैक करना बहुत आसान है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों ग्रुप बड़े आसानी से दिखा देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन दोनों दिखाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन दोनों दिखाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को, ब्रोमिनेशन दिखाएंगे, क्लोरिनेशन दिखाएंगे, हैलोजिनेशन मतलब यही हो गया, क्लोरिनेशन दिखाएंगे, नाइट्रेशन दिखाएंगे एंड सल्फोनेशन भी दिखाएंगे। मतलब ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था ये दिखाने वाले हैं, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं क्या अल्कोहल ये सारी चीजें दिखाएगा, नहीं दिखाएगा भाई, क्योंकि अल्कोहल कोई रिंग से नहीं लगा है, ये जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली रिंग से नहीं लगा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता। ये चीज आपको समझना है ना, जब चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। और अब करूं मैं इसको, नहीं सर, नाइट्रेशन के बाद लिखा है बच्चे मैंने सल्फोनेशन, नाइट्रेशन के बाद लिखा है बच्चे सल्फोनेशन, फर्स्ट है एल्काइलेशन, सेकंड है बच्चे असाइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, थर्ड है मतलब जो भी होगा बेंजीन पे होगा। असाइलेशन का मतलब होता है COCl, CH3COCl, असाइलेशन का मतलब होता है CH3COCl, ठीक है। तो पहला हो गया तुम्हारा फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा हो गया फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, तीसरा हो गया ब्रोमिनेशन, चौथा हो गया क्लोरिनेशन, पांचवा हो गया नाइट्रेशन, छठा हो गया सल्फोनेशन। ये सारे के सारे रिएक्शन बच्चे ये दिखाएगा, कौन कौन, फिनॉल एंड एनिसोल, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का जो हम सभी को आना चाहिए, चैप्टर की शुरुआत ही ऐसे करते हैं। ये चैप्टर का एकदम ब्रीफ है कि कौन सा ग्रुप कैसे बिहेव करेगा, ये पहली क्लास है इस चैप्टर की, जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लेगा। अभी हमने बस इस बात पे फोकस करी है कि यहाँ पे प्लसार इफेक्ट है क्योंकि रिंग पे लगा हुआ एटम के पास लोन पेयर है, और यहाँ पर भी प्लसार इफेक्ट है क्योंकि रिंग पे लगे हुए एटम के पास लोन पेयर है। तो हमने ये फोकस करा कि अल्कोहल ये सारी चीजें नहीं दिखा सकता, ये ऐसा क्योंकि अल्कोहल में जो ओ है वो डायरेक्टली रिंग से नहीं लगा है, वो किसी न किसी एलिफेटिक कार्बन से लगा होगा, फाइन। तो जैसे मान लो अगर कोई तुमसे पूछे, कोई समझदार इंसान जान मान लो मुझ जैसा अगर कोई है और तुमसे पूछता है कि बताओ
बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल जैसे ये जो है ये। सवाल है बच्चे कि बेंजाइल अल्कोहल इसे कहते हैं हम लोग बेंजाइल अल्कोहल, प्लीज सब लोग लिखिएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो सवाल आपसे ये पूछा गया कि क्या बेंजाइल अल्कोहल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, क्या बेंजाइल अल्कोहल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। दूसरा नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। अच्छा देखो मैं तुमको जरा इस सवाल को अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूँ। तो सवाल ये है बेंजाइल अल्कोहल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द बेंजीन रिंग, ये स्टेटमेंट है। बेंजाइल अल्कोहल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द बेंजीन रिंग, बेंजाइल अल्कोहल बेंजीन रिंग के लिए एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये सवाल है। बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। पहली बात तो तुम लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो देखते हैं। तो असर्शन क्या था, असर्शन था हम लिखेंगे बच्चे, असर्शन था कि बेंजाइल अल्कोहल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर बेंजीन रिंग। आंचल क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब बता सकती हो, फॉर बेंजीन रिंग बेंजाइल अल्कोहल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर बेंजीन रिंग। और इसका जो रीजन अब मैं तुमको देने जा रहा हूं तो तुम मुझे बताना कि क्या assertion और reason दोनों गलत हैं, क्या assertion गलत है reason सही है। तो reason मैंने लिखा benzyl group exerts positive hyperconjugation, benzyl group exerts positive hyperconjugation so increases the electron density of the ring, benzyl group reason बोल रहा हूँ बच्चे, benzyl group exerts positive hyperconjugation so it increases the electron density of the ring, benzyl group exerts hyperconjugation on the ring so it increases the electron density of the ring, ये तुम्हारा रीजन है। बताओ क्या assertion और रीजन दोनों गलत, assertion सही रीजन गलत, रीजन सही assertion गलत, सर ही गलत। बोल assertion है बच्चे बेंजाइल अल्कोहल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर बेंजीन रिंग, और रीजन है बेंजाइल ग्रुप एक्सर्ट्स पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन सो इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। बेंजाइल असर्शन फिर से बोलता हूं, बेंजाइल अल्कोहल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर बेंजीन रिंग, रीजन है बेंजाइल ग्रुप एक्सर्ट्स पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन so it increases the electron density of the ring. बोलो सर ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन है कि दोनों सही है दोनों गलत है, assertion सही है reason गलत है, reason सही है assertion गलत है। सर बोलिए बताइए जो मेटा पे भेजता है वो डीएक्टिवेट करता है। जो भी मेटा पे भेजेगा वो डीएक्टिवेट करेगा, रिंग से खींचेगा। अब आपको ये समझना था कि ये
जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो उसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले जो कंफ्यूजन आपको हो रही है बच्चे, रिंग पे लगा हुआ एटम अगर डबली या ट्रिपली बॉन्डेड है तभी वो मेटा डायरेक्टिंग कहलाता है। रिंग पे लगा हुआ एटम अगर डबली या ट्रिपली बॉन्डेड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। दूसरी बात, रिंग पे लगे हुए एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तभी वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। और जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग उसका मतलब होता है कि वो माइनस आर लगा रहे होते हैं, और माइनस आर का मतलब होता है कि आप रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, आप रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं ना। तो एक बात तो ये, अब जरा दूसरी कंफ्यूजन देखते हैं क्या है। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो टॉलवीन होता है, टॉलवीन रिंग के ऊपर CH3, ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो टॉलवीन होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो बेंजीन रिंग को अपना ये H जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही H ने अपना इलेक्ट्रॉन दे लिया तो ये रेजोनेंस की वजह से यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव और यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो CH3 ग्रुप था, क्योंकि उसके ऊपर अल्फा H लगा हुआ था इसलिए उसने रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम गए और वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया ना। अगर हम तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रिंग पे इलेक्ट्रॉन घूम गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CH3 ग्रुप ऑन द रिंग है ये एक एक्टिवेटिंग कंपाउंड है। दिस इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चे। अगर अब आप अपने सवाल पे जाओ तो देखो, मैंने आपको दिया CH2OH, आई हैव गिवन यू CH2OH बच्चे, मैंने आपको बच्चे CH2OH दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर आप ध्यान से मेरी बात समझ पा रहे हो तो आप किसी एंगल से नहीं कह सकते कि ये माइनस आर इफेक्ट लगाएगा। किसी भी एंगल से आप नहीं कह सकते कि CH2OH माइनस आर इफेक्ट लगाएगा। रीजन, ना तो रिंग पे लगे हुए एटम पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ना तो रिंग पे लगा हुआ एटम पॉजिटिवली चार्ज है। दूसरी बात, आप देखें तो मैंने क्या किया, मैंने CH3 का एक एच हटा के यहां पे एक OH लगा दिया, मतलब अभी भी देखो मेरे पास अल्फा एच है। और जब जब मेरे पास अल्फा एच रहेगा मैं रिंग को इलेक्ट्रॉन देने के काबिल हूं बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब जब मैं ऐसा कर सकता हूं तब तब यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव और यहां पे नेगेटिव आएगा, और जब जब यहां पे नेगेटिव आएगा तब तब हम इसे बोलेंगे कि ये एक्टिवेटिंग कंपाउंड है। पहले तो मैं ये समझ में आया जो मैंने बोला, हाँ रुको जरा भी, तुम लोग सबको समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे? यस यस सर। ठीक है, अब तुम ना डाउट बोलो। सर यहाँ पर O भी है और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा क्या? O बेंजीन रिंग से लगा हुआ है? नहीं, लेकिन O कार्बन से तो लगा हुआ है ना, तो उस कार्बन से तो खींच सकता है ना इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन CH के पास। तो तुम मुझे एक बात बताओ, पहली बात यहाँ पे CH के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ? क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज है? क्या C के पास नेगेटिव चार्ज है? पहले बताओ C के पास। हम पढ़ते थे ना पहले कि इसका जो OH का H है वो H रिमूव हो सकता है क्या? तो मतलब होता था कि नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो CH2 से पूरी हो रही है। वो किसके लिए पढ़ते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अगर तुम याद करो जो तुम मुझे बता रहे हो वो सवाल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हाईली एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो एच से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है लेकिन बगल में जो कार्बन लगा है वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो वहां पे दैट वाज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। सेकेंड चीज, यहां पे
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं किसी के पास भाई, ना इस कार्बन पे लोन पेयर, ना इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। थर्ड चीज, तुमने इलेवेंथ में साफ साफ पढ़ा है बहुत क्लियरली अगर तुम्हें याद आ रहा हो, कि जब हम इफेक्ट्स की बात करते हैं सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है आर इफेक्ट। बोलो पढ़ा है? यस सर। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, बोलो पढ़ा है? और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर मनस्वी मैं तुम्हारी बात पे आऊं तो देखो, आर इफेक्ट तो यहां पे लग नहीं रहा, वो हम देख रहे हैं, ना प्लस आर ना माइनस आर। अब तुम जो कह रहे थे कि सर ये ओ इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जरा तुम मुझे मनस्वी बताओ, अगर ओ कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो किस इफेक्ट की वजह से खींचेगा? मनस्वी, माइनस आई की वजह से। हाँ, लेकिन अगर ये कार्बन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बताओ किस इफेक्ट की वजह से दे रहा है? अब तुम अपना दिमाग लगाओ बच्चे, तो बताओ तुम किसकी बात मानोगे, खींचने वाले की कि देने वाले की? बात समझ में आ गई तुमको? दैट्स गुड बेटा, पूछा कर, लेकिन मुझे पूरा कंप्लीट करना था उसके बाद। तो ध्यान रखना बच्चे, तो यहां पे हमने जो एसर्शन लिखा था कि बेंजाइल अल्कोहल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द बेंजीन रिंग, अब बताओ गौरव वो एसर्शन सही है कि गलत? यस सर। सही है, मतलब सही है। हाँ सर सही है। हाँ ओके ओके। तो जो उसका रीजन था क्या वो सही है कि गलत, कि बेंजाइल ग्रुप एक्सर्ट्स हाइपर कॉन्जुगेशन so it increases the electron density of the ring. कैसा? सही है? Good. Good. Very good. तो ध्यान रखना बच्चे, assertion और reason दोनों ही सही हैं, and reason is the correct explanation of assertion. ये बात ध्यान रखना। अब मैं रब कर रहा हूँ उसको। अब देखो एक चीज। सर अभी पिछले वाले चैप्टर में हमारा थोड़ा सा पार्ट तो बचा है सर। कौन सा बेटा? बच्चे वो तो कभी भी खत्म हो जाएगी, अभी पूरा साल पढ़ना तुम्हें, आराम से पढ़ो ना। अब जिनको ये नहीं समझ में आया फिर से बताता हूं उनको। देखो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये है सी एच एच और एच, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि यहां पे बेंजीन रिंग इज द फंक्शनल ग्रुप। ये बात ध्यान रखना सब लोग, यहां पे हम कहते हैं कि बेंजीन रिंग इज द फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो बताइए अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला, ठीक। तो इस पे लगा हुआ H क्या कहलाएगा? अल्फा H। तो हम कहते हैं, हमने 11th में पढ़ा है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा H, मोर द नंबर ऑफ अल्फा H, मोर विल बी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर विल बी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग को यही समझ में नहीं आता कि प्लस आर माइनस आर का मतलब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। तो आप देख रहे हो कि जब भी कभी टॉलवीन लगा हो या मिथाइल ग्रुप लगा हो या इथाइल ग्रुप लगा हो तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस होते हैं। अब बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चे? हाइपर कॉन्जुगेशन को हमने 11th में एक नाम दिया है, नाम पढ़ा है, इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। कुछ याद आ रहा है सक्षम? हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग कहते हैं बच्चे नो बॉन्ड रेजोनेंस, इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब यहां पे क्या होता है कि ये एच अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और देने के बाद ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा यहां पे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड।
तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या होगा कि यहां जो डबल बॉन्ड बनेगा ये कार्बन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्यों? एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ, और देखो यहां पे कितना, पांच हाथ। तो अचानक से कार्बन के हाथ ज्यादा हो गए, तो जैसे इसके हाथ ज्यादा हुए ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को रोटेट करा देगा, और जैसे ही बॉन्ड को रोटेट कराएगा पूरे रिंग में रेजोनेंस आ जाएगा, तो वापस से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। लेकिन ये काम बड़ी तेजी से होता है, तो हमें लगता है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, किस पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। तो यही काम जब ये वापस कर देगा इसको, फिर ये दे देगा उठा के, फिर घूम जाएगा, फिर जब ये वापस कर देगा इसको, फिर ये दे देगा उठा के, फिर घूम जाएगा। मतलब जब भी टॉलवीन ग्रुप या टॉलवीन डेरिवेटिव रिंग पे लगा है और उसके पास एक भी अल्फा एच है, तो आपने ध्यान रखना है कि रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल को मान लो अगर कोई आपसे पूछ ले कि अगर आपके पास इथाइल बेंजीन है और आपके पास मिथाइल बेंजीन है, तो किस केस में रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? कैन यू ट्राई एनीवन? आंचल, प्रियाशा, इथाइल बेंजीन। ओके, लेट मी सी। अगर मेरे पास इथाइल बेंजीन और क्या बोलते हैं मिथाइल बेंजीन है, तो किस केस में रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और क्यों? सॉरी सर, वो मिथाइल बेंजीन में मिलेगा ज्यादा अल्फा एच है। मिथाइल में ज्यादा अल्फा एच है। देखो क्यों है ऐसा बेटा, आंसर इज मिथाइल। देखो यहां पे तीन अल्फा एच, जिसकी वजह से तीन बार ये बॉन्ड डबल बन सकता है और तीन बार ये घूम सकता है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहां पे अगर तुम देखो तो नो डाउट ये लगा रहा है प्लस आई इफेक्ट, नो डाउट प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इसको, और ये किसको देगा, रिंग को। अब प्रॉब्लम क्या है, ये रिंग को किसकी वजह से दे सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो भैया हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, जब ज्यादा अल्फा एच होंगे। तो यहां कितने अल्फा एच है, दो, यहां कितने अल्फा एच है, तीन। मतलब ये ज्यादा बार घुमा सकता है इलेक्ट्रॉन्स, ये कम बार घुमाएगा इलेक्ट्रॉन। और अभी आपने पढ़ा कि सबसे ज्यादा घुमाता है इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, उसके बाद घुमाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद घुमाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की बात माननी पड़ेगी ज्यादा एज कंपेयर टू आई। इसीलिए बच्चे ये रिंग को ज्यादा अमीर करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मतलब था यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन का, समझे? कल को अगर मैं आपसे बोल दूं कि मान लीजिए मेरे पास ये है, CHOHCl, और कोई मुझसे पूछे कि बताइए क्या ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, आप बताइए क्या जवाब देंगे, क्या ये ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाँ या ना? क्योंकि यहां पे एक अल्फा एच है, तो अभी भी ये ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये क्या करेगा भैया, अपने एच को यहां घुमा देगा, तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब था हाइपर कॉन्जुगेशन का। अच्छा, आप इसको और अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो कल को मान लीजिए अगर आपके पास ये है, देखिएगा कमाल, CH3 और CH3, और आपके पास सिंपल सा टॉलवीन है, और आपसे पूछे कि इन विच केस बेंजीन रिंग इज मोर रिच, इन विच केस बेंजीन रिंग इज मोर रिच, तो आप मजबूर है ये बोलने के लिए, जानते क्यों? देखिए भाई, ये क्या करेगा, ये कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई की वजह से, ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई की वजह से,
ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई की वजह से, लेकिन लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगा नहीं सकता बिकॉज इट हैज नो अल्फा एच। तो यहां पे जो भी इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट। अगर आप यहां देखें तो ये लगाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज इट हैज थ्री अल्फा एच। तो अब आपने पढ़ा अभी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट करेगा, इसीलिए जो आपका टॉलवीन था, जो मिथाइल बेंजीन था, वो रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ये चीज बच्चे आपको ध्यान रखनी है, समझ में आई बात। नाउ नेक्स्ट, तो ये मतलब था आपको आना चाहिए भाई कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअल में होता क्या है, उसे हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो प्लस आर माइनस आर, प्लस आर माइनस आर, हाइपर कॉन्जुगेशन हमको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब आपने जो अभी पढ़ा देखिए उसका इस्तेमाल कैसे आपकी किताब में है, तो आपके एनसीईआरटी खोलते हैं, सवाल देखते हैं उसका कि आपने अभी जो पढ़ा उसका इस्तेमाल कैसे आपकी किताब में है। सबसे पहले बच्चे आपकी एनसीईआरटी का हम सवाल करने जा रहे हैं 11.16 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सवाल है 11.16। जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए सवाल पढ़ता हूं। सवाल है एक्सप्लेन हाउ डज ओएच ग्रुप अटैच्ड टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग और ये कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ ओएच ग्रुप अटैच्ड ऑन द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट, ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है जी, एक्टिवेट इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सवाल कहता है बच्चे फिर से कि आप ये समझाइए कि यहां पे जो OH ग्रुप लगा है ऑन द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, ये कैसे रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, खत्म हो गया सवाल, दैट्स इट। तो भैया सिंपल सी बात, जब भी आपको बोले कोई चीज एक्टिवेट कर रहा है तो आप समझना आंसर या तो प्लस आर होगा या पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन आपके कोर्स में लगाता है अल्काइल ग्रुप, तो ये तो हो नहीं सकता है यहां पे, ठीक, क्योंकि यहां पे अल्काइल ग्रुप तो है नहीं। अब आप देख रहे हो रिंग पे लगे हुए एटम पे लोन पेयर है, तो आपने पढ़ा था जिनके पास लोन पेयर होता है रिंग पे लगे हुए एटम पे, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसकी वजह से यहां पे नेगेटिव और यहां पे नेगेटिव आता है। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब, बिकॉज ऑफ प्रसार इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड एट द ऑर्थो पैरा पोजिशन, हेंस फिनॉल विल गो फॉर इलेक्ट्रोफेरिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आई होप सबको सवाल समझ में आ गया, बोलो। यस सर। गुड, अब अगला सवाल देखते हैं गाइस। तो ये तो 11.16 था, अगला क्वेश्चन है, अभी भी देखो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन इज गाइस 11.29। ठीक है, 11.29 इसके दो हिस्से हैं, मैं दोनों हिस्से आपके लिए पढ़ता हूं। कहता है एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल एल्काइल ईथर, जरा बना देते हैं पहले फिर हम लोग, चलो दिस इज अवर अराइल, दिस इज एल्काइल और बगल में लगा दो ओ, तो ये कहलाएगा अराइल एल्काइल ईथर। ठीक है बच्चे, मैंने यहां पर ओ लगाया हुआ है, थोड़ा ओ बड़ा बना देता हूं, आपको दिख जाएगा अच्छे से, ओ और ये आर। ठीक, तो सवाल कहता है एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल एल्काइल ईथर्स द एल्कोक्सी ग्रुप, नाउ दिस इज नोन एज, दिस इज एल्क, एल्क मतलब एल्केन, ऑक्सीन एल्कोक्सी, द एल्कोक्सी ग्रुप, दिस इज नोन एज एल्कोक्सी गाइस, इसे कहते हैं एल्कोक्सी, इस नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसे कहते हैं एल्कोक्सी। सो इन अराइल एल्काइल ईथर द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट, शब्द आ गया, एक्टिवेट
द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि ये ऐसा क्या करेगा कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान हो जाएगा. चलिए बताइए जवाब इसका. ये ऐसा क्या करेगा? That's it. मतलब बेटा आप देख रहे हो कि लोन पेयर है तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे बढ़ जाएगी. ये आपके पहले सवाल का जवाब था. दूसरा पूछता है इट डायरेक्ट, मतलब ये भेजेगा, इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये जो ग्रुप आने वाला होगा उसको भेजेगा टुवर्ड्स ऑर्थो पैरा पोजिशन. आंसर बताओ जी. ये भेजेगा जो ग्रुप आने वाला है उसको टुवर्ड्स ऑर्थो पैरा पोजिशन. आंसर बताओ जी. यस सर, ट्रू है. राइट, रीजन रीजन बताना है. रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट द ऑर्थो पैरा पोजिशन. तो सेम रीजन नहीं हो गया बच्चे, समझ में आया? तो दोनों का जवाब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि दोनों दोनों का जवाब बच्चे यहां पे सेम था. ठीक है, दोनों का जवाब बच्चे यहां पे सेम था, ये आपको ध्यान रखना है. देखिए बिना कुछ किए ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आपको मिलेंगे. आगे चले चले गाइस. यस गुड. तो 11 पॉइंट. अरे बेटा पूरा रिकॉर्ड है यार, क्यों परेशान होता है? जब तेरा मन करे बैठ के फिर से पढ़ लियो, दुखी मत हो. स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ, क्लाउड पे भी रिकॉर्डिंग कर दी है और फोन पे भी रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन पे भी रिकॉर्डिंग चल रही है. कुछ भी गड़बड़ हो सब ले लो. ठीक है, और बताओ. नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं. तो अगला है बच्चे, नाउ गिव द मेन हेडिंग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. नेक्स्ट हेडिंग इज गाइस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. ठीक है, अब देखो अब आपको चैप्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर पहले चैप्टर से बड़ा जुड़ा हुआ है. ये चैप्टर जो है वो पिछले वाले चैप्टर से बच्चे बहुत जुड़ा है. ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. सो सबसे पहला तरीका, अगर आपको तकलीफ ना हो तो सबसे पहला तरीका है बच्चे बाय बाय थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगे, बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन यूजिंग मार्कोनिक ऑफ. क्या कहते हो? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन यूजिंग मार्कोनिक ऑफ. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास है प्रोपीन, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, ये है गाइस हमारे पास, और हमने इसे कर दिया जल में समाहित. जल जिसकी रानी कौन है? मछली. या तो देखो, जब आपने एल्कीन को पानी में समाहित किया तो आपने पढ़ा है 11th में और 12th में फिर पढ़ा है कि यहां लगता है मार्कोनिक ऑफ. मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो ये OH माइनस जाके सीधे अटैक करेगा इधर, और ये H जाके अटैक करेगा इधर. मतलब गाइस अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको मिलेगा प्रोपेन टू ऑल. आई होप आई एम क्लियर. मार्कोनिक ऑफ की वजह से आपको मिलेगा प्रोपेन टू ऑल, ये आपको ध्यान रखना है.
मार्कोनिक ऑफ, जब आपने लगाया तो आपको मिलेगा प्रोपेन टू ऑल। आगे चलो, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अगला तरीका क्या है? तो अगला तरीका और भी सिंपल, आप किसी एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ कर दीजिए या पानी के साथ कर दीजिए गाइस। सो नेक्स्ट तरीका इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, चाहे मन करे SN1 लगाओ, चाहे मन करे SN2 लगाओ, देखो कैसे, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जैसे मान लो अगर आपके पास ये है टर्शियरी ब्यूटाइल CH3 और ये OH, और आपने बच्चे क्या किया, इसको ट्रीट कर दिया उठा के। अच्छा आपने क्या एल्काइल हैलाइड बोला ना मुझसे, ठीक है, तो मान लो ये हो गया CH, तो आपने इसको ट्रीट कर दिया पानी के साथ। अब आपको अच्छे से पता है कि जब आप कल को इसको पानी के साथ करोगे तो वहां पे क्या होगा बच्चे, ये OH माइनस जाके इस Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो गाइस आपको क्या मिल गया, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल देखो मिला, समझे क्या? नाउ अगर आप, चलो ये तो एक एग्जांपल हो, अगर मान लो आप सिंपल सा ले लो CH3 CH2 Cl और इसे आप कर दो जल में समाहित, तो देखो यहां पे भी हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको मिल गया CH3 CH2 OH। तो ये तो आपका दूसरा तरीका था। तो दो तरीके से आपने अब तक अल्कोहल को बना लिया, ठीक है, नोट करो, फिर आपको अगला तरीका बताता हूं, नोट करो बच्चे। हो जाए तो मुझे बता देना, सर, ए वाले में बीटा एलिमिनेशन नहीं हो जाएगा कन्यान? यस सर, बीटा एलिमिनेशन नहीं हो जाएगा। किस किस में बच्चे, किस में? सर ए वाले में। क्यों बेटा, मुझे जरा समझाओगे क्यों ऐसा? सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ओके सर, वो बीटा एलिमिनेशन अंडरगो करेगा ना, टर्शियरी है। अच्छा बेटा आप मुझे एक बात बताओ कन्यान बच्चे, अगर ये आपने एकदम सही कहा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक, अब आप मुझे ये बताओ बच्चे बीटा एलिमिनेशन से आपके कोर्स में क्या बनता है, एल्कीन? यस सर। ओके, एल्कीन बनाने के लिए हमें क्या रिएजेंट चाहिए होता है, सबसे कॉमन रिएजेंट याद करो, सबसे कॉमन रिएजेंट एल्कोहलिक KOH, सिर्फ KOH मत बोलना, यू नीड एल्कोहलिक KOH। तो बच्चे दिस इज नॉट एल्कोहलिक KOH, दिस इज सिंपल वॉटर, ठीक है। अच्छा कन्यान, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का सवाल है, ध्यान रखा, फर्स्ट चैप्टर का हैलोजन वाले का एक्सरसाइज में दिया होगा, ठीक है बच्चे। तो देखो ना, तो यहां बीटा एलिमिनेशन हो सकती है, ना तो यहां बीटा एलिमिनेशन हो सकती है, रीजन हमने रिएजेंट ही क्या यूज किया है, पानी, और पानी के अंदर सिंपल सा क्या निकलता है, OH माइनस अगर पानी से निकला या एक्वस मीडियम से निकला तो हमको ये समझना है वो क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कल को वही OH माइनस एल्कोहलिक होता तो हम बोलते कि वो करा सकता है एलिमिनेशन रिएक्शन, बट बच्चे हमने यहां पे क्या लिया, पानी लिया हुआ। आगे चले, नाउ द थर्ड, तीसरा तरीका। सो तीसरा तरीका है, लिखो वहां पे, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C(O) बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C(O) यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C(O) यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जो लोग मेरी बात नहीं समझ पाए वहां देखेंगे, देखिए बच्चे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
हमें ध्यान रखना है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को इससे ट्रीट करेंगे तो यहां पे क्या होगा बच्चे कि ये बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट इस ओ को यहां से हटा देगा, बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट इस ओ को यहां से हटा देगा। ये दोनों बॉन्ड देखिए फ्री हो गए, इन दोनों बॉन्ड पे एक एक एच ले जाके लगा देगा। तो क्या मिल गया आपको इस बार, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करता है बच्चे किसमें, सी एच टू में, ठीक है। नाउ तो लेट्स सपोज, आप चाहे एक बात और ध्यान रखना कि अगर हमने कभी इसको NaBH4 के साथ कर दिया तो आपकी बुक में लिखा है नो रिएक्शन। ध्यान रखना बच्चे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो कोई रिएक्शन नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वीक माना जाता है, और जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा तो वो CO को रिड्यूस कर देता है। किसमें करता है, CH2 में। अब चौथा तरीका बच्चे, समय कितना बचा हमारे पास, पांच मिनट। सो जो फोर्थ तरीका है वो है बाय रिडक्शन ऑफ CO ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन, CO ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये आपको ध्यान रखना है, यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड विल रिड्यूस द CO ग्रुप इनटू CHOH। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड विल रिड्यूस द CO ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन इनटू CHOH। ध्यान रखना बच्चे वहां पे एसिड के साथ कुछ और बिहेवियर था, एल्डिहाइड और कीटोन के CO के साथ कुछ और बिहेवियर है। तो CO ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन विल बी रिड्यूस इनटू CHOH बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर इसको समझे, वही दे रहा हूं, इसको समझे अगर हम, जैसे मान लो कल को हमारे पास ये बच्चे, मान लो हमारे पास है बच्चे फॉर्मल डिहाइड HCHO, और हमने इसको ट्रीट कर दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। हमारे पास मान लो बच्चे है एसिटिलडिहाइड CH3CHO, ठीक है, और हमने इसे कर दिया NaBH4 के साथ। तो जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप क्या करोगे बच्चे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक एच को निकालेगा और ले जाके इस ओ पे लगा देगा। तो अब यहां पे ऑक्सीजन के हाथ कितने हो गए, अगर मैं ऐसे सोचूं तो तीन हो गए ना भाई, डबल बॉन्ड और एक एच, तो ऑक्सीजन तो ये बर्दाश्त करेगा नहीं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ लेगा, तो देखो ये बॉन्ड फ्री हो गया। अब जो ये वाला एच दूसरा एच है वो जाके इस बॉन्ड पे लग जाएगा। तो देखो ध्यान से अपने को क्या मिल गया यहां पे, एच सी एच एच ओ एच। ध्यान से देखना बच्चे, एक एच जाके ओ पे लगा तो बन गया इसका ओ एच, एक एच जाके इस फ्री बॉन्ड पे लग गया तो बन गया इसका एच, वही हमने यहां पे लिखा है सी एच थ्री ओ एच बन गया। नाउ अगर मान लो हम इसे करें इसके साथ, अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट भाई, एक एच जाके यहां ओ पे लग जाएगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बॉन्ड यहां पे क्लीव हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो अब एक एच जाके इस पे लग गया तो क्या मिल गया अपने को, सी एच थ्री सी एच एच, और ये हो गया बच्चे आपका ओ एच। तो ये रहा, इस तरीके से ये इसको रिड्यूस करता है
ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, समझ में आई बात? यस सर, यस सर। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक सवाल दिया, ये रहा आपका सवाल, आज का आखिरी सवाल आपके लिए। आपके पास है डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, और मैंने इसे कर दिया एन ए बी एच फोर के साथ। बताइए क्या बनेगा? एन ए बी एच फोर के साथ क्या गाइस? एक एच ओ के साथ लग जाएगा और एक एच जो रिंग हो क्या कहते हैं CH2 के साथ जाके लग जाएगा। अब देखो हाँ बेटा, देखो जी सर, आपको क्या समझना है। आपको यह समझना है कि NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के CO ग्रुप को छेड़ सकता है, उसका बना सकता है CHOH। NaBH4 एसिड या एसिड डेरिवेटिव के CO को टच भी नहीं कर सकता। तो अगर आप ध्यान से समझो तो देखो बच्चे, ये जो ग्रुप है यहां पे, दिस इज आर सी ओ आर, मतलब ये ओके कीटोन है ये वाला, और देखो ये क्या है, आर सी ओ आर, दिस इज एसिड डेरिवेटिव गाइस, मतलब ईस्टर है ईस्टर। तो NaBH4 चाह के भी ईस्टर के सीओ को टच नहीं कर सकता, ये ना तो एसिड को टच करता है ना एसिड डेरिवेटिव को टच करता है। तो यहां पे क्या होगा बच्चे, आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा, एच ओ एच, और ये हो गया आपका सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, मतलब ये जो साइड है ये अनटच रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई आपको? ये साइड अनटच रहने वाली है क्योंकि NaBH4 एसिड या एसिड डेरिवेटिव को टच भी नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। क्लियर हो गया? बोलो। यस यस सर, ठीक है, यही तक करेंगे आज, फिर जब मिलते हैं देखते हैं। सर सर मुझे एक और चीज पूछनी थी सर, हमने पिछले चैप्टर में एडिशन ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप और सब शायद क्या नहीं करा, क्या बता रहे, क्या नहीं करा बता, फिर से बोलना। सर एक सेकंड, हाँ, रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? सर CL के साथ OH और कोई NO2 इस तरह। तो हमने क्यों नहीं किया? हमने किया तो है वो, हमने कितने सारे सवाल किए जहां OH को हटा रहे हैं CL से और CL को हटा रहे हैं, भूल गए तुम? भी हमने नहीं करा ये कल को, आपसे ये फिर से सुनो ये कहो ना, फिर से समझना है, ये तुमने करा नहीं ये वाला। जब इसको SOCl2 से करोगे तो यहां पे हमने पढ़ा है कि SOCl2 क्या करेगा, SOCl2 जाके OH को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा RCl। ठीक है, और चाहो तो तुम इसको ऐसे कर दो, PCl5 के साथ कर दो, PCl3 के साथ कर दो, ZnHCl के साथ कर दो, तरीके सारे सेम ही है, सब में क्या निकलेगा, RCl। ठीक है, तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा है तुमको जो करना है मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, तो तुम्हें बता दो दूंगा कम से कम। अब तो तुम्हें जो करना है तुम मुझे याद से व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ओके सर, चलो, थैंक यू बच्चे, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू।